लेकिन आइए हम माँ गंगा को एक बार प्रणाम करते हैं और तब हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। मैया 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 गंगा मैया स्नान करने जाते हैं ना, और माँ गंगा से हम तो मांगते ही तो रहते हैं और जितने भी पाप करते हैं उस गंगा में जाके छोड़ के चले आते हैं। और हमारी माँ गंगा जीवन दायिनी गंगा हमें पापों से मुक्त कर देती है। गंगा ओ गंगा मैया ससुर दीहा सास को सन्यासम राजा दशरथ ससुर दीहा सास को सन्यासम Thank you.
सीता सामा बिहारी लाल की जय। माँ गंगा के नाम से ही एक पवित्रता अपने मन में आ जाती है। हम मानसिक रूप से तो माँ गंगा में स्नान कर रहे थे सभी, आप लोगों ने किया? मानसिक स्नान का भी एक अलग ही आनंद है। जीवन दायिनी गंगा, अब सोचिए अगर माँ गंगा नहीं होती तो क्या होता। सब को उतारने वाली माँ गंगा। मेरे भाई बहन, हम उस लीला की तरफ जा रहे हैं। आज सुखदेव जी से कह रहे हैं परीक्षित जी कि प्रभु आपने बहुत अच्छी अच्छी महात्मा और अच्छी अच्छी बातें बताई, आनंद सा आ गया। अब आप सूर्य वंश के बारे में बताइए और राम जी का विशेष चित्र चित्रण कीजिए। अब यहां हम सभी मन लगा के चित लगा के राम जी के उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घवायु, और दीर्घवायु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा महाराजा दशरथ। दशरथ की तीन रानियां, लेकिन एक भी पुत्र नहीं। एक बार ये शिकार खेलने गए हैं, इनके पास एक तीर धनुष में एक ऐसी शक्ति थी कि कोई भी जानवर अगर कहीं किसी को अगर मारना हो तो वो शक्ति उस तीर में थी, वहीं जाके लगता था। श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को लेकर तीर्थ करने के लिए जंगल में गए हैं और तालाब से सुराही में पानी भर रहे हैं। शीतल जल को भर के अपने माता पिता को पिलाएंगे। और तभी उस सुराही का मुंह छोटा था, गुड़गुड़ की आवाज आई। दशरथ जी सोचे कोई सुंदर सा हिरण पानी पीने आया है। इन्होंने स्मरण करके तीर चलाया, तीर श्रवण कुमार को लग गया जाकर। जब पास आए तो देखा कि ये तो एक पुरुष है। पूछा, कौन हो तुम बेटे, तुम कौन हो? मैं श्रवण कुमार हूं, आपने बहुत गलती की। मेरे माता पिता अंधे हैं, उन्हें जल पिलाने के लिए मैं जल लेने आया था। उनकी प्यास से हालत बहुत बुरी है, क्या आप मेरे माता पिता को जल पिला देंगे? और ये इतना कहते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ जी को बड़ा अफसोस हुआ, पश्चाताप करने लगे, मैंने क्या कर दिया। लेकिन होनी हो गई थी। जल लेकर आए अंधे माता पिता, बैठे हैं पेड़ के नीचे। अपने बेटे की आहट को ना जान के पूछा, कौन हो तुम? मेरे पुत्र तो नहीं लग रहे हो। नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं हूं राजा दशरथ। मेरा पुत्र कहां है? क्षमा कर दीजिए,
मुझसे बहुत गलती हुई। और बताते हैं किस प्रकार आपके पुत्र की मृत्यु हो गई हमारे हाथों से। दोनों अंधे माता पिता कहते हैं चलो हटो, देखने रे दिखता नहीं है, ये जल पीकर मैं क्या करूंगा, जिसके हाथों से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई हो वो जल पीकर मैं क्या करूंगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस तरह मैं तड़प तड़प के मरूंगा अपने पुत्र के लिए वियोग में, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरोगे। और तड़पते तड़पते श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरे भाई बहन, कर्मों का फल हमको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हम कितने बड़े राजा हो जाएं, हम कितने साधारण व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, अगर गलती किए हैं तो भुगतान तो इसी जगह करके जाना होगा। आय और व्यय दोनों काम इसी धरती पर करना है। अगर आप लिए हैं तो खर्च करना भी आपको पड़ेगा, आप जो किए हैं वही तो आपको मिलेगा। राजा दशरथ उदास हो चले, लेकिन मन में एक जिज्ञासा से उत्पन्न हुई कि मुझे तो कोई पुत्र नहीं है। और बड़ी संत थे, मरते वक्त वो तड़पते हुए कह रहे थे तो मुझे पुत्र अवश्य होगा, क्योंकि मुझे उनके वियोग में मरना है ना, सजा तो काटनी है। मेरे भाई बहन राजमहल में आते हैं, उसी वक्त वहां पे वशिष्ठ जी जो दशरथ जी के गुरु हैं, उन्होंने कहा एक पुत्र कामना के लिए यज्ञ करना है। और श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, उनसे यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ हुआ, अग्निदेव सुंदर सा एक सोने के कटोरे में खीर लेके आए और कहे तथास्तु। खीर को वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया। दशरथ जी उस खीर की कटोरे को लेकर आए, पूरे खीर का आधा हिस्सा भाग कौशल्या माँ को दिया, उसका आधा भाग जो बचा कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों को खीर दशरथ जी दे दिए। और खीर खाने के बाद ऐसा अनुभूति हुआ कि तीनों माताएं गर्भ में हैं। यही विधि गर्भ सहित सबनारी भयो हर्षित हर्षित सुख भारी, जातिन से हरि गर्भ में आए सकल लोग सुख संपत्ति छाए। प्रभु का आनंद क्या कहना, जब स्वयं भगवान गर्भ में आ रहे हैं तो तीनों माताएं दिव्य रूप से सुंदर दिख रही हैं। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ में साक्षात पर ब्रह्म का आगमन हुआ है। तीनों माएं आनंदित हैं उस समय के लिए जब हमारे राम जी का जन्म होना है। और वो वक्त आ गया नौमी तिथि। नौमी तिथि है, चैत का महीना है पवित्र, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। हमारे राम जी का जन्म हो रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आप सभी गाइए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयु भुज धारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और देखिए सुंदर नयन नेत्र सुंदर शौला शरीर चार भुजा है, नेत्र सुंदर
सांवला शरीर, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, चारों भुजाओं में सब कुछ सुशोभित हो रहा है। एक छोटे से बालक का प्राकट्य हो गया। मेरे भाई बहन, भगवान का जन्म नहीं प्राकट्य होता है। कौशल्या माँ ने देखा ये अद्भुत बालक, बालक कहीं ऐसा होता है क्या? एक तो बालक हुआ नहीं, और प्रभु आप आए भी तो चार हाथों वाले। जब अवध में पता चलेगा कि दशरथ जी के पुत्र हुए हैं वो भी चार हाथ वाले, तो लोग बड़ी हंसी उड़ाएंगे। प्रभु ऐसा मत करें, आप छोटे से बालक बन जाएं। और तब क्या कहती है माता, पुन बोली सोमति डोली तज हुतात यह रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभु। और देखिए ये चरित जोगावही हरि पद पावही ते नर पहि बहुपा। देखिए जैसे मैया ने कहा कि प्रभु ये क्या, भगवान छोटे से नवजात शिशु बन गए और जोर जोर से रोने लग गए। और रोने लग गए तो होते क्या है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार बच्चे हुए हैं, चारों बच्चे का प्राकट हुआ है, तो पूरे अवध में दंगा बच गया कि दशरथ जी को चार चार हुए हैं। तो चलिए आनंद गाते हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अनद में आनंद भयो जय राम की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय रघुबर क्या बोल रही है कि जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बदैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बदैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बदैया, जन्म लिए चारों भैया अवध लुटावे धनु गैया अवध में बाजे बधैया, बाबा लुटावे धनु गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया
और तभी गांव की सखियां आ गई और क्या कह रही है, सब सखियां मिलके गा रही है, मंगल और देखिए जब लाला होते हैं ना तो गांव में सोहर गवाए जाते हैं, मंगल घड़ी नियर आइल सुबह दिन आइल हो, मंगल घड़ी नियर आइल सुबह घड़ी आइल हो, ललना वदन में बाजे ला भगवान की जय, चारों भैया की जय। तो सोहर गवाए जाते हैं अवध में पूरे एक दिन का, एक महीने का पूरा दिन हो गया और सूर्य भगवान जो है डूबना ही भूल गए, इतने आनंद आनंद हो रहे हैं, चारों ओर कुमकुम और झालर लटकाई गई हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद राम जी का जन्म हुआ है।